एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो हमारे पिछले लेक्चर थे उसमें हम बात कर रहे थे ब्लड के ऊपर, रक्त के ऊपर। हमने जो पिछली वीडियो थी, सबसे पहले हमने ब्लड का इंट्रोडक्शन देखा, इसके परिचय जाना। उसके बाद हमने बात की आरबीसी पर और हमने बात की प्लाज्मा पर। हमने इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाई कि प्लाज्मा होता क्या है और आरबीसी होता क्या है। अगर हम बात करते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड के दो पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया। एक जो ब्लड का पार्ट होता है, एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है सॉलिड, यानी कि ठोस भाग और तरल भाग। इस दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। जो लिक्विड पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट है इसके अंदर आरबीसी आती है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी आती है और इसके अंदर प्लेटलेट्स आती हैं, यानी कि बिंबाणु है। आरबीसी रेड ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल है। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना, और अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो इसके जो लिंक है वो यहाँ ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे WBC के ऊपर, यानी जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका। शुरुआत करते हैं हम। अगर हम बात करें WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, इन्हीं को ही कॉर्पसल्स भी कहा जाता है। इनको एक नाम और दिया जाता है, कॉर्पसल्स। सेल यानी कि कोशिका, सेल कोशिका, या इन्हीं को ही नाम दिया जाता है कणिका। सेल कोशिका या कणिका, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे ब्लड का ही पार्ट है, हमारे रक्त का ही पार्ट है। आगे अगर हम बात करते हैं इनका जो फॉर्मेशन है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनका निर्माण कहाँ होता है। अगर इनके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। अब निर्माण भी हो गया, इसके बाद ये डेड कहाँ होती हैं, मृत कहाँ होती हैं। डेड यानी कि ये मृत कहाँ होती हैं, मृत होती हैं हमारे ब्लड के अंदर ही, मृत होती हैं यानी कि रक्त में ही ये मर जाती हैं। पहले हमने जाना इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो के अंदर। फिर ये मृत कहाँ होती हैं, ब्लड के अंदर मृत हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं रीजनरेशन की, यानी हम बात करते हैं पुनर्निर्माण की, इनका दोबारा निर्माण कहाँ होता है, तो इनका दोबारा निर्माण भी कहाँ होता है, ब्लड के अंदर ही इनका दोबारा निर्माण होता है। अरे जब मरे, जहाँ मरेंगी मरती कहाँ है, रक्त के अंदर ही मरती हैं, तो दोबारा निर्माण भी तो वहीं से होगा। जैसे हमने जाना था आरबीसी का, जब हमने पढ़ा आरबीसी, एक तो मरती है लीवर के अंदर डेड होती हैं, सेकंड आरबीसी कहाँ डेड होती हैं, स्प्लीन के अंदर होती हैं। तो आरबीसी का जो ब्लड बैंक है वो क्या कहलाता है, स्प्लीन कहलाता है। तो ये कहाँ मरती हैं, मृत कहाँ होती है, रक्त के अंदर। पुनर्निर्माण कहाँ होता है, ब्लड के अंदर। अगला जो इसके बारे में पॉइंट है, अगला जानते हैं हम ये ब्लड की यानी कि रक्त की, ब्लड रक्त की सबसे बड़ी सेल है। रक्त की कैसी सेल है, सबसे बड़ी सेल है। सबसे बड़ी यानी कि साइज के अनुसार बात कर रहा है, साइज के अनुसार ये सबसे बड़ी सेल है। अगर हम बात करते हैं 8 से 22 माइक्रोन तक ये बड़ी होती हैं, 8 से 22 माइक्रोन तक ये बड़ी होती है। यानी हमारे रक्त में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, WBC, हमारे रक्त की सबसे बड़ी सेल होती है। आगे अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी सेल है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें हमारे शरीर का यानी कि हमारी बॉडी का क्या बोला जाता है,
बॉडी गार्ड बोला जाता है, हमारी जो बॉडी है उसका क्या बोला जाता है, बॉडी गार्ड कहा जाता है, यानी कि हमारे बॉडी के ये क्या हैं, रक्षक हैं, हमारी बॉडी की क्या हैं, रक्षक हैं, बॉडीगार्ड। लवली सिंह रिपोर्टिंग, ये वही वाली बात है, हमारे इन्हें हमारे शरीर का क्या बोला जाता है, बॉडीगार्ड कहा जाता है, यानी हमारे शरीर के क्या हैं ये, हमारे शरीर के सोल्जर हैं, हमारे शरीर के हैं सैनिक हैं, हमारे शरीर के सैनिक। अब इन्हें क्यों कहा जाता है वो हम अब जानेंगे भी क्या रीजन है, कोई तो रीजन होगा जिस कारण हम इन्हें अपना जो शरीर है उसका क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड कहा जाता है। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि ये सेल क्या करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं या उसके बनाने में सहायक हैं। ये क्या करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं या बनाने में सहायक है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेंगी या बनाने में सहायक हैं, या बनाने में सहायक हैं, यानी इस आधार पर ही हम क्या बोलते हैं इन्हें, अपनी बॉडी का क्या कहा जाता है, बॉडी गार्ड कहा जाता है, बॉडी गार्ड यानी सोल्जर बोला जाता है। अगर हम बात करें आगे तो इन्हें, इनमें क्या होता है, इनमें मतलब किन के बारे में बात हो रही है, WBC के बारे में बात हो रही है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अरे जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, इसलिए तो इनका जो रंग है वो कैसा है, इनका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। आगे अगर हम बात करते हैं इनके टाइम पीरियड के बारे में, इनका जीवन काल कितना है, अगर हम बात करें टाइम पीरियड के बारे में, जो इनका जो जीवन काल है, जो इनकी जो लाइफ है, लाइफ का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, इनकी लाइफ का टाइम पीरियड होता है 2 से 4 डेज, यानी ये 2 से 4 दिन तक ये क्या करती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं। और फॉर्मेशन आपको पता है, बनती कहाँ है, मृत कहाँ होती हैं, अभी हमने इससे पहले उसी के बारे में चर्चा की थी। तो इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 से 4। अगर हम बात करें इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, इनकी संख्या 6000 से 8000 100 ml Hb, यानी 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन के अंदर 6 से 8000 इनकी संख्या पाई जाती है। अगर आगे हम पॉइंट की बात करें हैं, तो अगर इनका अनुपात पूछा जाए RBC WBC का अनुपात क्या होता है, तो RBC 600 अनुपात 1 अनुपात में होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि WBC और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या होता है, बिंबाणु का अनुपात क्या होता है, सफ़ेद रक्त कोशिका और इसका बिंबाणु का अनुपात क्या होता है, तो आप आंसर देंगे 40, 1:40। इनमें से आपका कोई भी पूछे, अगर पूछे RBC WBC तो 600:1, अगर आपसे पूछे WBC प्लेटलेट्स तो कितना हो जाएगा, 1:40, और आपसे अगर पूछे प्लेटलेट्स और RBC तो कितना हो जाएगा, 600:40। इससे कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी पूछे आपसे, तो आप बता सकते हैं RBC 600 है, WBC 1 है, अनुपात की बात कर रहे हैं हम, रेशो की बात कर रहे हैं, और प्लेटलेट्स कितनी है, 40 है, यानी आप यहाँ से इजिली पता लगा सकते हैं कि इनका अनुपात कितना होता है। इसलिए तो ये क्या होती हैं, आरबीसी ये क्वांटिटी के अंदर ज्यादा होती हैं, संख्या में क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, और ये क्या होती हैं, सबसे कम होती हैं। अगर हम बात करें साइज की, अगर बात करते हैं क्वांटिटी की बात करते हैं
तो क्वांटिटी के अंदर क्या होती है, आरबीसी बड़ी ज़्यादा होती है देन क्या होती है प्लेटलेट्स और क्या होती हैं डब्ल्यूबीसी। अगर बात करते हैं साइज की तो साइज में होती हैं डब्ल्यूबीसी बड़ी होती हैं, फिर वही प्लेटलेट्स हैं और देन क्या है आरबीसी। यानी आप बता सकते हैं साइज के अंदर ये बड़ी हैं और संख्या के अंदर ये बड़ी हैं, यानी इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। अब क्या होता है, जब भी आपको कहीं चोट लगी है, कहीं रक्त का संक्रमण होता है, रक्त ब्लड बह रहा है, तो जब ब्लड बह रहा है या ब्लड को रोकने के लिए हम यूज करते हैं फिटकरी का। हम यूज किसका करते हैं, फिटकरी का। तो जो फिटकरी होती है उसे क्या बोला जाता है, और क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो 2012 के अंदर सेम रिपीट क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन 2016 के अंदर पूछा गया था कि रक्त का जब संक्रमण होता है, ब्लड बहता है, तो वहाँ किसका या किसको लगाया जाता है, किसका लेप लगाया जाता है, बात एक ही है। तो उसके अंदर जो ऑप्शन था, ऑप्शन दिया गया था पोटास एलम। अगर पोटास एलम ये होता क्या है, इसको नाम दिए, ये होती है फिटकरी। पोटास एलम क्या है, फिटकरी है। तो अगर बाई चांस आप कहीं गए हैं, जैसे घर के अंदर चोट लगी है या हुआ है, तो वहाँ क्या होता है, रक्त बह रहा है, कहीं से कट लगा है तो वहाँ रक्त बह रहा है, तो हम किसका यूज कर देते हैं, फिटकरी का, जिसे साइंस की भाषा में नाम दिया जाता है पोटास एलम का नाम दिया जाता है। ये क्या होता है, जैसे बार्बर है जो नाई के पास हम जाते हैं, तो कहीं वही ब्लेड लग गया, तो वो क्या किसका यूज करता है, फिटकरी का यूज करता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ क्लोटिंग होने के बाद वो क्या हो जाता है, उस वहाँ से रक्त को रोक दिया जाता है। बाद में हम चर्चा करेंगे भी वो क्यों रुकता है, किस कारण रुकता है। लेकिन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसका नाम है, फिटकरी का एक नाम है, एक इसका यहाँ से रासायनिक सूत्र पूछा जाता है आपसे। तो इसका रासायनिक सूत्र आप याद कर सकते हैं, K2SO4Al2SO4324H2O। ये किसका सूत्र है, ये फिटकरी का सूत्र है। किसका सूत्र है, पोटास एलम फिटकरी का ये सूत्र है। K2SO4 Al2 इसके अंदर जो 24 क्या है, ये H2O क्या है, पानी है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर, अगर 12 के अंदर करें तो 12 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था और यही क्वेश्चन को फिर 2016 के अंदर भी रिपीट किया गया था। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं WBC के बारे में, तो जो WBC है, हमने उसका साइज जाना, उसका साइज कितना है, वो कितने प्रकार की होती है, कौन सी बड़ी होती है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बॉडीगार्ड सेल भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं WBC की, वाइट ब्लड जो सेल है उसको एक नाम और से जाना जाता है, उसको जाना जाता है ल्यूकोसाइट्स के नाम से। अगर आपसे पूछे कि वाइट ब्लड सेल है, जैसे हमने पढ़ा था आरबीसी को किस और नाम से जाना जाता है, अरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर जो अरिथ्रो है और साइट्स है, अरिथ्रो रिप्रेजेंट करता है रेड उसको, और साइट्स रिप्रेजेंट करता है सेल को। इसके अंदर भी है, जैसे जो ल्यूको वर्ड है, ये ल्यूको क्या है, ये एक पिगमेंट की तरह है और ये क्या है, वाइट कलर की है। और साइट्स आपको पता होगा, साइट्स किसे कहा जाता है, साइट्स यानी कि सेल से संबंधित है। सेल से बात करें या बात करें आपकी कॉर्पसल्स से, या कणिका की बात हो या कोशिका की बात हो, तो आप बता सकते हैं ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, WBC को ही क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं WBC में टाइप के बारे में, WBC को दो टाइप से बांटा जाता है, एक तो ग्रुलोसाइट्स और एग्रुगुलोसाइट्स। अगर हम हिंदी में बात करें, कणिका में और अकणिका में, और इनको तीन टाइप में बांटा जाता है। तीन टाइप की होती हैं, पहली होती है बेसोफिल्स, सेकंड होती है न्यूट्रोफिल्स, और जो थर्ड होती हैं इसेनोफिल्स। इसको ऊपर लिखते हैं इसेनोफिल्स। थर्ड टाइप क्या होती है, थर्ड होती है इसेनो
फिल से, ये तीन टाइप की होती हैं। अगर हम बात करें ग्रुलोसाइट्स के अंदर, कणिका के अंदर, ये ग्रुलोसाइट्स होता क्या है, ग्रुलोसाइट्स हैं यानी जो इनका जो बनती कहाँ है, ये बनेंगी कहाँ, अगर हम बात करें ग्रुलो इसके जो तीनों टाइप हैं, ये तीनों का अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तीनों की हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, ये बनती कहाँ है, तीनों फॉर्मेशन कहाँ होगी, तीनों बनेंगी बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर बनेंगी, और वहीं इनका मैचुरेशन होगा, वहीं इनका मैचुरेशन होगा जो परिपक्वन है, परिपक्वन है वो वही होगा। ये अगर हम बात कर रहे हैं एग्रुलोसाइट्स की, एकणिका में की, इसमें टू टाइप की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप के, पहले हम इनको पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम इनको पढ़ते हैं। बात करते हैं बेसोफिल्स की, बेसोफिल्स होती क्या है, ये सरो बात करते हैं बेसो, सेम नाम इंग्लिश है सेम हिंदी है, समस्या नहीं लेने का है। बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी वाइट ब्लड सेल है, इसमें क्या होती है, ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं, सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं, यानी अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें बेसोफिल्स के, तो इनका परसेंटेज होता है 0.1%, इनका कितना परसेंटेज होता है, 0.1% होता है। और ये कैसी होती हैं, अभक्षी होती हैं, कैसी होती हैं, केवल इनके बारे में है, कैसी होती हैं, अभक्षक कोशिकाएं होती हैं, अभक्षक कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं, अभक्षक। अगर हम बात करते हैं आगे तो ये किसके लिए उत्तरदायी होती हैं, ये एलर्जी के लिए, एलर्जी है हिस्टामिन है, एलर्जी है हिस्टामिन है, इसका संक्रमण करती हैं, इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी अगर एलर्जी से संबंधित कोई बात होगी तो हमारे WBC का कौन सा पार्ट होगा, बेसोफिल्स के अंदर ये बात आएगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट उस पर न्यूट्रोफिल्स के बारे में, आगे है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कैसी होती हैं, न्यूट्रो इसको हम रफ कर देते हैं, न्यूट्रोफिल्स के हम बात करें, न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स ये कैसी होती हैं, इनकी बेसोफिल्स होती हैं सबसे कम, न्यूट्रोफिल्स होती हैं सबसे ज़्यादा, न्यूट्रोफिल्स कैसी होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा यानी 60 से 65% ये पाई जाती हैं, 60 से 65% पाई जाती हैं। अगर हम इनके बात करते हैं आकार की, वैसे जो WBC होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके अंदर क्या है, अगर हम बात करते हैं WBC में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पाया जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसका जो आकार है, आकार अनिश्चित होता है, आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यानी उसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, वो किसी एक ये नहीं कह सकते हम केवल उसी आकार की पाई जाती हैं। अगर बात करते हैं बेसोफिल्स की, तो जो बेसोफिल्स पाई जाती हैं उनके जो अगर हम बात करते हैं लगभग उनकी जो संरचना है वो लगभग संरचना पाई जाती है इस टाइप से, बेसोफिल्स की जो संरचना है वो इस टाइप से पाई जाती है, यानी हम इन्हें क्या कह सकते हैं, ये होती हैं त्री आपात, यानी तीन टाइप से होती है, त्री उसमें पाई जाती है, ये होती हैं बेसोफिल्स। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और इनका जो आकार है, इनका आकार भी अनिश्चित आकार होता है, इनका अनिश्चित आकार की शेप में, कई बार ये इस साइड इधर भी हो जाती है, यानी अनिश्चित आकार के अंदर ये पाई जाती हैं। इनके अगर हम मैप की बात करते हैं तो क्या है, सबसे ज़्यादा संख्याएं पाई जाती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो जितने भी जीवाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनसे संबंधित है, जीवाणु जनित रोग, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं टीबी, टीबी में किसके लिए,
इसके लिए उत्तरदायित हैं न्यूट्रोफिल से सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, वो सबसे कम पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसेनोफिल्स के बारे में। इसकी जो थर्ड टाइप है, इसेनोफिल्स कैसी होती हैं और वो किसके लिए काम करती हैं। सेकंड है इसेनोफिल्स हैं, अगर हम इनके आकार की बात करें, अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो जो इसका आकार है, इसका आकार कैसा पाया जाता है, इसका आकार पाया जाता है कुछ इस प्रकार से, इसकी संरचना पाई जाती है इसेनोफिल्स की। और ये किसके लिए मेनली काम करती हैं, इसेनोफिल्स है जो, ये किसके लिए काम करती हैं, वायरस के लिए काम करती हैं। हमारे शरीर में वायरस है, फंगी है, फंगी यानी कि कवक है, फंगी यानी कि जो कवक है, कवक से हमें जो डिजीज होती हैं उनसे संबंधित इसके लिए काम करते हैं। वायरस है यानी जो विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु जनित जो बीमारी है उसके में मेन काम ये करती हैं इसेनोफिल्स, विषाणु जनित रोग के अंदर काम करती हैं। आकार आपने देखा, ये कैसे पाई जाती है, न्यूक्लियस जरूर होता है, हमने देखा न्यूक्लियस है लेकिन उसका आकार क्या है, निश्चित आकार नहीं है, यही लाइन है। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है। आगे हम इसको तो हमने पढ़ लिया कणिका मय को, अब हम पढ़ते हैं अकणिका मय को, यानी कि ये भी व्हाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर टू टाइप की पाई जाती हैं, एक होती है मोनोसाइट्स, एक है मोनोसाइट्स, सेकंड है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स के बारे में पहले हम बात करेंगे, जो मोनोसाइट्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये सबसे बड़ी होती हैं। ये कैसी होती हैं इसके बारे में इधर लिखते हैं, ये कैसी हैं, सबसे बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं। किस टाइप में सबसे बड़ी हैं, यानी कि ये बड़ी हैं कैसे, उस टाइप में यानी साइज के अनुसार बड़ी हैं, ये कैसी बड़ी हैं, साइज के अनुसार ये बड़ी होती हैं। इनकी संरचना कैसे पाई जाती है, इनकी जो संरचना है मोनोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो मोनोसाइट्स की जो संरचना है वो लगभग ऐसे पाई जाती है। इस संरचना को किस क्या नाम दिया जाता है, इस संरचना को नाम दिया जाता है, या तो इसे बोला जाता है घोड़े की नाल, इसे बोला जाता है घोड़े की नाल, या इसे बोला जाता है सेम के आकार की, सेम के बीज होते हैं जो सोयाबीन है, सेम के बीज हैं उसके आकार के इनकी संरचना पाई जाती है। कैसी होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की तो लिम्फोसाइट्स टू टाइप की होती हैं, एक होती हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक होती हैं बी लिम्फोसाइट्स। सेकंड अगर हम बात करें तो ये होती हैं टी लिम्फोसाइट्स, कैसी होती हैं टी लिम्फोसाइट्स। दो टाइप की होती हैं, देखो लिम्फो मोनोसाइट्स केवल एक है, सबसे बड़ी है, किसके अनुसार, साइज के अनुसार। साइज हमने देखा जो इसका न्यूक्लियस है सबसे बड़ा साइज पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स कितने टाइप की होती हैं, आगे लिम्फोसाइट्स होते हैं टू टाइप की, टू टाइप में अगर हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की, बी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर, इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर इनका निर्माण होता है। और इनका जो मैच्यूरेशन है, जो परिपक्वन है, परिपक्वन भी किसके कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। लेकिन खास बात यह है जो टी लिम्फोसाइट है इनका निर्माण तो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में, लेकिन इनका मैच्यूरेशन की अगर हम बात करें परिपक्वन की, वो कहाँ होता है, थाइमस, थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्रंथि के अंदर इनका परिपक्वन होता है। हमने पढ़ा कि जो मोनोसाइट्स हैं
वो कैसी हैं, साइज के अनुसार सबसे बड़ी हैं। लिम्फोसाइट टू टाइप की हैं, एक है बी लिम्फोसाइट्स, एक है टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का मैं जो बनती कहाँ है, बोन मैरो के अंदर। मैचुरेशन कहाँ होता है, परिपक्वन हो जहाँ होता है वो होता है इसका बोन मैरो के अंदर ही। लेकिन टी में क्या है, थाइमस ग्लैंड। तो हम इसी आधार पर क्या कह सकते हैं, एग्रोनोलाइट है, यानी एकड़िकाय में है। अगर आपसे पूछ ले तो इनका जो फॉर्मेशन है, निर्माण कहाँ होगा, वो निर्माण होगा बोन मैरो में। और इनका जो मैचुरेशन है वो कहाँ होगा, वो होगा थाइमस ग्लैंड के अंदर। वो कहाँ होगा, थाइमस ग्लैंड के अंदर, यानी थाइमस ग्रंथि के अंदर ही क्या होंगी, ये परिपक्वन होगा। आगे अगर हम इनके साइज की बात करते हैं, मोनोसाइट्स का तो हमने साइज देख लिया कैसा होता है। अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स के बारे में हम बात करते हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, जो पहले हम इसका वो देख लेते हैं, लिम्फोसाइट्स, ये सबसे छोटी होती हैं। कैसी होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। लिम्फोसाइट्स कैसी होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। किसके अनुसार, साइज के अनुसार। साइज के अनुसार कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। इनकी जो संरचना है, इनकी संरचना ऐसी पाई जाती है। इनकी संरचना कैसी पाई जाती है, संरचना इस टाइप से पाई जाती है, यानी कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या काम करती हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये अगर हम बात करें तो ये बी लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में एंटीजन का काम करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स किसका काम करती हैं, सॉरी एंटीबॉडी का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, एंटीबॉडी का काम करती हैं बी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स किसका काम करती हैं, एंटीजन का काम करती हैं। अब ये एंटीबॉडी और एंटीजन है, जब आगे हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तब हम बताएंगे एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या, एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या। अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने इसके टाइप जाने। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स काम क्या करती हैं, लिम्फोसाइट्स जो काम करती हैं, जो दो टाइप की हैं हमने पढ़ा, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये एडवांस लेवल पर काम करती हैं। किस लेवल पर, एडवांस लेवल पर ये काम करती हैं। एडवांस लेवल कैसे, जैसे आप जब बच्चे थे, तो बच्चे थे तो आपको टीका लगाया गया था। अरे हम सभी बच्चे थे तो हमें टीका लगाया, BCG का टीका लगाया। उसके बाद हमें टीका लगाया गया पोलियो का, उसके बाद हमें टीका लगाया गया पोलियो का, दो बूंद जिंदगी की वर्ड भी है। और हमने सभी ने पोलियो पिया, सभी ने जब पोलियो पिया तो उस टाइम क्या जो पोलियो थी वो हमें थी, नहीं थी। पोलियो जो बीमारी थी वो नहीं थी, BCG से संबंधित जो बीमारी थी वो नहीं थी। लेकिन फिर भी हमें क्या किया गया, दो बूंद जिंदगी की पिलाएगी, दो बूंद जिंदगी पिलाई। क्यों पिलाएगी, वो क्या है, जो हमारी जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं WBC के अंदर से आ रहे हैं, ये एडवांस लेवल पर काम करते हैं। कैसे काम करती हैं, हमने पोलियो उस टाइम पर पिया तो ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर के अंदर क्या बना देती हैं, मेमोरी सेल का निर्माण कर देती हैं, यानी कि ये हमारी याददाश्त कोशिका का निर्माण कर देती हैं। अगर भविष्य में हमें पोलियो से संबंधित कोई बीमारी हुई, अगर भविष्य के अंदर पोलियो से संबंधित बीमारी हुई, तो हमारे जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या कर देंगी, इसको मार देंगी। और अगर BCG से संबंधित कोई बीमारी हुई तो वो एडवांस लेवल पर उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। तो हमने सब के टाइप जाने, हमने बेसोफिल्स के बारे में जाना। अगर एलर्जी से संबंधित है तो बेसोफिल्स काम करेगी, हिस्टामिन है, हिस्टामिन जो क्या करता है, हिपेरिन है, हिस्टामिन है और हिपेरिन है। हिस्टामिन क्या काम क्या करता है, कई बार पूछा भी गया है हिस्टामिन बनता कहाँ है, हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। हिस्टामिन बनता कहाँ है, अरे हिस्टामिन है वो लीवर के अंदर बनता है। अगर हम बात करते हैं हिस्टामिन, ये हिस्टामिन बनता कहाँ है, लीवर के अंदर फॉर्मेशन होता है। जब बात एलर्जी की चली ही हुई है तो एलर्जी क्या है, बेसोफिल्स से संबंधित है। हिस्टामिन बनेगा लीवर के अंदर। हिस्टामिन बनता क्यों है,
जब हम बाहर से कोई हमने खराब, जैसे हमने कोई भी फूड खाया और उसके अंदर कोई खराब केमिकल था, उससे क्या करेगा, हमारा लीवर एक्सेस मात्रा के अंदर क्या बनाएगा, हिस्टामिन बनाएगा। और हिस्टामिन किसके लिए उत्तरदायी होगा, एलर्जी के लिए उत्तरदायी होगा। सेकंड, हमने जो बेसोफिल्स थी उसमें क्या होता है, एक हिपेरिन होता है, हिपेरिन का भी स्त्रावण कर दिया है। हिपेरिन काम क्या करता है, हमारे रक्त का क्लोटिंग नहीं जमने देता, याद रखना आपने। हिपेरिन क्या काम करेगा, रक्त की क्लोटिंग नहीं जमने देगा। सेकंड, हमने बात की न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स क्या है, जितनी भी जीवाणु जनित हैं, जीवाणु जनित जो रोग है उसके लिए उत्तरदायी है, न्यूट्रोफिल्स है। आगे हमने बात की इसेनोफिल्स के बारे में, ये कितनी है, ये जो वायरस है और जो फंगी है इनसे संबंधित बीमारियों के लिए उत्तरदायी क्या होगी, क्या होगी, इसेनोफिल्स होगी। अगर हम बात करते हैं फिर मोनोसाइट्स की, मोनो और लिम्फोसाइट्स की, ये दोनों जो सेल हैं ये किसके लिए काम करेंगी, एडवांस लेवल पर काम करेंगी, ये किसके लिए काम करेंगी, एडवांस लेवल पर काम करती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कुछ डिजीज की, कुछ डिजीज कैसे, यानी अगर मान के चलो आपके अंदर जो था WBC थी, आप में क्या है WBC, जाहिर ही बात है WBC थी, तो WBC की संख्या, अगर हम बात करते हैं WBC की संख्या, WBC की संख्या कम हो जाती है, कम हो जाती है, यानी WBC क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो आपको रोग हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी, वो डिजीज होगी ल्यूकोपेनिया, आपको डिजीज हो जाएगी ल्यूकोपेनिया, ठीक है, सेम नाम इंग्लिश है सेम हिंदी है, ल्यूकोपेनिया, आपको डिजीज हो जाएगी ल्यूकोपेनिया, ये कम होगी तो आपको डिजीज होगी ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया होती क्या है, इसके अंदर क्या हो जाता है, जो RBC है, RBC को क्या बोला जाता है, हमने अभी बताया था, इनको क्या बोला जाता है, सैनिक कहा जाता, हमारे बॉडी गार्ड हैं ये, अगर इनकी संख्या कम हुई यानी कि ये क्या हुई, डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज का साइन है, डिक्रीज हुई तो ल्यूकोपेनिया है। ल्यूकोपेनिया के अंदर क्या है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अभी जो काम है इसका, फोर टाइप जो फंक्शन है इसका, जो कार्य है, मेन कार्य इसका क्या है, हमारे जो ब्लड है हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम में इसका स्ट्रॉन्ग करना। अब इसकी संख्या कम होगी तो जाहिर ही बात है, कॉमन सेंस है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर इनकी संख्या WBC की, पहला हमने बात की कम हो जाए, अगर WBC ज़्यादा हो जाए, अगर WBC की संख्या ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमें हो जाएगा ल्यूकोमिया, तो हमें हो जाएगा ल्यूकोमिया हमें रोग हो जाएगा। और ये ल्यूकोमिया रोग होता कैसा है, इसके अंदर जो हमारा ब्लड है इसके अंदर जो इसकी संख्या ज़्यादा हो जाए, ये एक दूसरे का क्या करने लग जाती है, एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर दे, WBC क्या हो जाती है, एक दूसरे का भक्षक करना स्टार्ट कर देती है, एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर देती है। अब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, हमें मान के चलो हमें जो आवश्यकता थी, जो सैनिकों की आवश्यकता थी वो कम आवश्यकता थी, जितनी लिमिट थी हमें कितनी चाहिए, 6 से 8 हज़ार 100 ml HB चाहिए, लेकिन इनकी संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब इनकी संख्या जब ज़्यादा हो रही है तो क्या करेंगी, एक दूसरे को ही खाना स्टार्ट कर देंगी, एक दूसरे को जब खाना स्टार्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, गांठ हो जाएंगी, ब्लड में क्या हो जाएंगी, गांठ जम जाएंगी, और गांठ जमने पर क्या होगा, हमें कैंसर के स्टेज में चले जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। और कैंसर बात करते हैं, कैंसर 13 टाइप का होता है, अगर हम बात करें कैंसर की फर्स्ट स्टेज की, कैंसर फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, WBC के बारे में बात कर रहे हैं हम,
कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज पर है तो फर्स्ट स्टेज पर क्या होगा, हमारी गांठ बनेगी। फर्स्ट स्टेज पर क्या होगा, गांठ है। अगर बात करते हैं सेकंड स्टेज पर है, अगर कैंसर सेकंड है, ये सब क्या है, WBC के कारण हुआ, क्योंकि WBC की संख्या बढ़ी, WBC की संख्या बढ़ी तो उन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर दिया। अब सेकंड जो स्टेज है इस पर क्या हो जाता है, इस पर ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर है किसे होते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, फोड़ा हो गया है, ट्यूमर हो गया है, ज़्यादा मात्रा के अंदर ब्लड का एक जगह इकट्ठा होना। अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, सबसे भयानक स्टेज है, इस पर क्या हो जाता है, ब्लड में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, और इसे ही नाम दिया जाता है ब्लड कैंसर। इसे क्या नाम दिया जाता है, ब्लड कैंसर। थर्ड स्टेज इसके भयानक स्टेज है, यानी अब हमने जो डिजीज थी वो जानी कि WBC से क्या डिजीज होती है। जैसे अब बात कर रहे थे WBC से होने वाले कुछ डिजीज, जैसे WBC ज़्यादा होती है, WBC कम होती है, ऐसी एक डिजीज आती है HIV AIDS। आपने नाम अक्सर जरूर सुना होगा HIV जो एड्स है, इसके बारे में हम बात करें तो इसको 1981 में USA के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया था, और 1986 के अंदर इसको इंडिया के अंदर डिटेक्ट किया गया। और ये माना जाता है जो ये 1981 के अंदर बीमारी आई थी, ये जो अफ्रीका से आई थी, कहाँ से आई थी, अफ्रीका से USA पहुंची थी, और इंडिया में कहाँ से आई थी, तो इंडिया में आई थी ये USA से। इसमें होता क्या है, ये डायरेक्ट अटैक कहाँ करती है बीमारी, किसकी संख्या को कम करती है, WBC की संख्या को कम करती है। WBC को क्या करती है, उसको खाती है, उसको फूड के रूप में ये लेती है। इसका जो वायरस है, इसका वायरस सर्वाइव करने के लिए, अगर इसके वायरस को सर्वाइव करना है तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, उसके लिए इसको ब्लड में से जो पार्ट चाहिए, इसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। और ब्लड में से भी कौन सा पार्ट चाहिए, इसको ब्लड में से WBC चाहिए। अब जो HIV AIDS है, HIV AIDS मुख्यतः चार कारणों से हो सकती है। कितने कारणों से, चार कारण से ही HIV AIDS हो सकती है। पहला जो रीजन होता है इसका, वो होता है ब्लड इंटरचेंज, ब्लड की रक्त की अदला बदली। पहला रीजन हो सकता है रक्त की अदला बदली, यानी जैसे क्या हुए, जो रक्त है, एक कोई व्यक्ति था, ये कोई व्यक्ति था, इसको आवश्यकता थी रक्त की, इसको जब आवश्यकता थी, इसको क्या हुआ, इसको कुछ डिजीज हुई, या इसको आवश्यकता हुई, इसका कहीं भी अटैक, कुछ भी इसको रक्त की आवश्यकता हुई, तो जो इसका ब्लड था वो इसका ब्लड को कहाँ चढ़ा दिया गया, दूसरे, यानी रक्त की क्या हुई, अदला बदली हुई। अब रक्त की अदला बदली हुई तो ये भी खुश है, ये भी खुश है, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि इसको क्या है, इसको HIV है, तो इस व्यक्ति को भी क्या हो गई, HIV हो गई। तो इसका पहला रीजन ये हो सकता है। सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो ये माँ से भी हो सकती है, माँ से यानी कि मदर से इस बीमारी को हो सकता है। अब ये क्या है, अब ये व्यक्ति ये मदर थी, माँ थी, तो अभी इसका क्या हो गया, अभी इसका छोटा बच्चा है, बाई बर्थ भी इसको हो सकती है, क्योंकि माँ के पेट से ही बच्चे का जन्म हुआ, और माँ को अगर ये बीमारी है तो बच्चे को भी हो सकती है बीमारी। लेकिन इसमें एक फैक्ट जरूर होता है, हमेशा से जो ये बीमारी है इसको क्या करता है, इसको फैलाता कौन है, इसको फैलाता है मेल, इस बीमारी को HIV AIDS को फैलाएगा मेल। और लेकिन इस चीज का कैरी करने वाला, इसको फैलाने वाला तो मेल होता है, लेकिन इसको कैरी करने वाली हमेशा क्या होती है, फीमेल होती है। तो ये कहाँ से हो सकती है, माँ से भी हो सकती है। अगर हम थर्ड रीजन पर जाएं, तीसरे कारण पर अगर हम जाएं, तो तीसरा कारण होता है इन्फेक्टेड सुई, यानी कि संक्रमित
संक्रमित सीरिंज संक्रमित सुई से भी हो सकती है। किसी को एचआईवी एड्स था, किसी को एचआईवी एड्स था, उससे जो उसको इंजेक्शन लगाया उसकी जो सीरिंज थी वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगाएगी तो ये उससे भी हो सकती है। फोर्थ अगर रीजन की बात करें तो फोर्थ रीजन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये बीमारी फैलती है। अगर हम बात करते हैं केवल इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इन चार रीजनों से बीमारी फैलती है। इन चार रीजनों में से वो कौन सा रीजन है जिससे बीमारी ये फैलती है, इसमें से अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो सबसे कम इस रीजन से बीमारी फैलती है। इंडिया में इन्फेक्टेड संक्रमित सुई से सबसे कम बीमारी फैलती है इंडिया के अंदर, और इंडिया की जो कंपनी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सीरिंज का भी निर्माण करने वाले प्रमुख कंपनियों में से एक है। अगर हम बात करें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की, इसमें क्या होती है, इसमें सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ये बीमारी फैलती है इस रीजन की वजह से। मुख्यतः चार रीजन है और इसमें से सबसे ज़्यादा जो रीजन है वह है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, ओएम एंड सप्रम के द्वारा जब दो मेल एंड फीमेल का कॉन्टैक्ट होता है तो उसमें जो सप्रम हमेशा कैरी करके चलता है WBC को। WBC आपको पता है WBC से ही क्या संबंधित है, HIV वायरस का जो फूड है वो क्या है, WBC है। इसलिए जो सप्रम होता है उसके अंदर होती है WBC। तो जब कॉन्टैक्ट होता है OM के साथ तो वहाँ से क्या हो जाता है, वहाँ से वो संक्रमित हो जाते हैं और वहीं से वो फैलती है। तो इंडिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा है। अगर फिर यहाँ से हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम के अंदर जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आज तक या आगे भी हो सकता है उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए, यहाँ से पूछा जाता है टेस्ट के बारे में। यहाँ पूछा जाता है टेस्ट एलिसा टेस्ट होता है जो किसके लिए किया जाता है, HIV एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, HIV एड्स के लिए किया जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मान के चलिए एक व्यक्ति जो HIV से संक्रमित है, उसने कहीं भी जैसे वो चाट की अपनी रेडी लगा रहा है या जैसे भी वो फास्ट फूड बना रहा है या गोलगप्पा बना रहा है, तो उस HIV से संक्रमित व्यक्ति है वो, और उससे क्या होता है जैसे उसके कहीं कट लगा हुआ है, हाथ के अंदर कहीं कट है, तो उसे वो व्यक्ति क्या करता है, जब गोलगप्पा बना रहा है तो पानी के अंदर वो क्या है, वो ब्लड घुल जाता है, और या फिर जैसे वो फास्ट फूड बना रहा है तो फास्ट फूड के अंदर वो ब्लड घुल जाता है, या फिर वो कोई फ्रूट चाट वगैरह बना रहा है तो उसके अंदर वो ब्लड घुल जाता है, तो उसको क्या कर लेते हैं, हम उस फास्ट फूड को भी खा लेते हैं, उस गोलगप्पे वाले पानी को भी खा लेते हैं और बड़ी चाव से खाते हैं कि पानी जरूर पीते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन ये है कि इस व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड था वो कहीं घुला, पानी के अंदर घुला और उस पानी को हमने पी लिया, तो क्या हमें HIV एड्स होगा, आपका आंसर हाँ है या ना है। जैसे इसके अंदर ऑप्शन भी दिए गए थे, पहला आंसर यस था, सेकंड नो था, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता सर, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, जो उसका ब्लड था उसके अंदर वायरस था HIV एड्स, उसको हमने क्या किया, खाया। अगर हमारे इंटरनली कहीं कट है, इंटरनली बॉडी में कहीं कट लगा हुआ है, तो हमें उस कट में क्या हो जाएगा, उस कट से वो वायरस क्या है, सर्वाइव कर जाएगा और हमारे ब्लड के अंदर वो फैल जाएगा और ब्लड में भक्षण कर लेगा और WBC का, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर हमें इंटरनली कहीं भी कट नहीं लगा हुआ है तो हमें वो जो उस व्यक्ति से घुड़कर आया था ब्लड जो हमने खाया था या जो हमने पिया था वो क्या होगा, वो हमें इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसके मेनली चार ही रीजन बताए जाते हैं इसको फैलने के लिए, और इसके लिए जो टेस्ट है यहाँ से वो एलिसा टेस्ट करवाया जाता है, किससे संबंधित, वायरस से संबंधित बीमारी है,
और इसका इलाज नहीं है। वैसे कुछ इसके लिए जो मेडिसिन है वो आई हुई हैं। तो आज की जो WBC थी वो हमने पढ़ा है, WBC का रंग वाइट क्यों होता है, इसकी फिर हमने टाइप पढ़ी, ये मुख्यतः 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया, 1 टाइप के अंदर हमने 3 वो टाइप पढ़ी, बेसोफिस, न्यूट्रोफिस, इसेलोफिस, फिर उसके हमने 2 टाइप है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, उसके अंदर हमने ये पढ़ा बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो फिर इसके हमने कुछ डिजीज पढ़ी, किस कौन कौन सी इससे डिजीज हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें मिलते हैं प्लेटलेट्स के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ और आपके लिए एक नए क्वेश्चनों के साथ कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने नहीं पूछे गए हैं। थैंक यू।